तो आज की वीडियो में बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर जारी कर दिया गया है जिसमें प्राइमरी में बीएड शामिल होगा, केंद्र सरकार पॉलिसी बनाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कह दी है। साथ ही बीएड छात्रों के प्राइमरी के रास्ते खुल गए हैं, बीएड ब्रिज कोर्स करके नई योग्यता धारण कर सकते हैं, ऐसा विचार जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। क्या कोर्ट आर्डर में लिखा है और बीएड के पक्ष या विपक्ष में क्या क्या बातें आई हैं, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 22,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी काफ़ी समय पहले, और जो भी चयनित शिक्षक थे उनको बाहर निकालने के लिए हाईकोर्ट का आदेश भी जारी कर दिया गया था। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और वहाँ जो बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे उनके पक्ष में फैसला आ गया। पक्ष में क्या फैसला आया वो आपको दिखाते हैं। पक्ष में फैसला आपको हम अभी कोर्ट का आर्डर भी दिखाते हैं कि 11 अगस्त 2023 के पहले, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को ही सुप्रीम कोर्ट का जो है बीएड के विपक्ष में फैसला आया था, तो 11 अगस्त के जजमेंट से पहले जो भी नियुक्त बीएड शिक्षक गण हैं उन्हें सेवा में सुरक्षित रखने के लिए जो जज साहब हैं उन्होंने भारत सरकार से सुझाव लिया है कि ब्रिज कोर्स करा करके इन्हें डीएलएड के समकक्ष बनाया जाए। तो अब ये कन्फर्म हो गया है कि 11 अगस्त 2023 के पहले पहले जो भी नियुक्त शिक्षक हैं, यानी कि स्पेशली छठवें चरण की बात करें, 22,000 जो चयनित शिक्षक हैं, या उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई है, या जगह जगह जो भी शिक्षकों की भर्ती हुई है, ऐसे सभी लोग अपनी सेवा में बने रहेंगे। लेकिन अगर बात करें बीएड के जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो अभी कहीं जॉब नहीं पाए हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं आया है। तो आप भी चाहें तो इस तरह से एकजुट होकर के संगठन बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के शरण में बढ़िया से पैरवी करा करके अपने पक्ष में फैसला जरूर ले सकते हैं, क्योंकि जो भी पैरवी अच्छे से करता है, जिनका पैरवी अच्छे से होता है, उनके पक्ष में फैसला लगभग लगभग आ ही जाता है। तो अभी चलिए आपको कोर्ट आर्डर भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये कोर्ट आर्डर है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जो भी बीएड के जो पहले से टीचर हैं, जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, 11 अगस्त 2023 के पहले पहले जो भी फैसला आया था ये इनके लिए लागू नहीं होगा। और जो टीचर पहले से ही कहीं पढ़ा रहे हैं बीएड कैंडिडेट, ऐसे लोगों को एक ब्रिज कोर्स करा करके ऐसे लोगों को डीएलएड के बराबर कर दिया जाए, क्योंकि ब्रिज कोर्स जो होता है आपको एक ट्रेनिंग दे देता है कि आपने जो है स्पेशलाइजेशन कुछ में कर लिया है, जो कि यहाँ पे करना है इनको स्पेशलाइजेशन डीएलएड के समकक्ष। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया है कि अपनी अपनी सरकारें जो भी हैं, जिस भी स्टेट की, इस तरह का जो है काम कर सकती हैं जो भी 11 अगस्त 2023 के पहले के हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो काफ़ी परेशान थे, संकित थे, क्या होगा, ऐसा ना हो बिहार में 22,000 को निकाला जा रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग बाहर किया कर दिया जाए पीआरटी से, तो अब ऐसा नहीं होने वाला, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। आपकी क्या राय है इस बात पे, इस आइडिया पे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या अपनी कोई आइडिया आपके पास हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।